के साथ धीरेंद्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 1.31 लाख नए केस आए हैं। 24 घंटे में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र दिल्ली के बाद यूपी में भी संकट गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र में 56,286, दिल्ली में 7,537 नए केस आए हैं। उत्तर प्रदेश में 8,474 और कर्नाटक में 6,570 नए मामले सामने आए। तो कोरोना को लेकर स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र दिल्ली के बाद यूपी में भी संकट गहरा गया है। महाराष्ट्र में 56,286 और दिल्ली में 7,537 नए केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 8,474 कोरोना के मामले सामने आए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में। जय, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ गए पूरे देश की अगर बात की जाए। 1,31,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और जो 3 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनमें अब यूपी भी शामिल हो गया है। महाराष्ट्र दिल्ली के बाद यूपी में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल धीरेंद्र जी, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार देखा जाए तो कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और विगत एक वर्ष से ऊपर हो चुका है, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। बीच में हालांकि कुछ रोकथाम होती हुई नजर आई थी, लेकिन फिर से जिस तरीके से दूसरी लहर कहीं ना कहीं कोरोना की आई है, ये बड़ी ही घातक है। इसमें कहीं ना कहीं बड़ी ही प्रतिकूलता से, बड़ी ही रफ्तार से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रहा है, इसमें मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे भारत में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई नजर आ रही, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े ही चिंता में है। उसका ये सोचना है कि अगर आखिर इस तरीके से लगातार अगर कोरोना पर रोकथाम नहीं लगाई जा सकती तो किस तरीके से आने वाले समय में क्या दशा हो जाएगी, ये देखने वाली बात है। जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं निर्देश, कहीं ना कहीं बैठ के लगातार अपने टीम 11 के साथ लगातार बैठ के मुख्यमंत्री जी इस पर कहीं ना कहीं चर्चाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, आईएम बैठ के करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि जाके निरीक्षण तक भी किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में कहीं ना कहीं वाराणसी भी जा रहे हैं, वाराणसी में जाके भी वहां जो कोरोना महामारी को लेकर है उस पर कहीं ना कहीं करेंगे, करेंगे। और लगातार देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से ये चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे देश में स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। 1,31,000 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली है। यहीं पर संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।